हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रोमर्स डायरी। आज मैं एक बहुत यूनिक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जो शारजा में रहते हैं या शारजा में आ रहे हैं विजिट वीजा पे, एंड मेनी पीपल डू नॉट नो हाउ टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या शारजा में यूएई के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज करना है। तो उस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और काफी डिटेल में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। शारजा में एक ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, दैट इज बस। मेट्रो नहीं है, ट्रेन नहीं है, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज टैक्सी, पर टैक्सी लोगों को काफी एक्सपेंसिव लगती है और ट्रैफिक वगैरह के वजह से मीटर बहुत बढ़ जाता है। तो आप बसेस को कैसे यूज कर सकते हैं, क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए इफ यू आर फर्स्ट टाइम कमिंग टू शारजा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ उनकी वेबसाइट के ऊपर। ओके, सो हियर वी गो। ओके गाइस, तो ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये है एक्चुअली शारजा की बस की वेबसाइट, जिसको बोलते हैं मोसलात। ठीक है, मोसलात ये जो बस को ऑपरेट करते हैं, ये ब्लू कलर्स की बसेस रहेगी, ये आपको हर जगह शारजा में इजीली दिखेगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे इंडिया जैसे ये सिस्टम नहीं है कि सिर्फ कैश में डीलिंग होती हो, और जैसे इंडिया में भी अभी कार्ड का सिस्टम आ गया है, तो यहाँ पे भी एक कार्ड का सिस्टम है, बट कैश और कार्ड के सिस्टम में देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि अगर आपके पास ये शेयर कार्ड है, ठीक है, अगर आपके पास ये शेयर कार्ड है तो एक डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, शेयर कार्ड से जब आप परचेज करते हो टिकट तो कॉस्ट कम होगा, और जब आप डायरेक्टली कैश दे के पे करते हो तो कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मतलब दो दिरहम का फिर फर्क आ जाता है। जैसे अगर हम, और जैसे मैं यहाँ पे है, शायद मेरे टैब ओपन करके रखा हूँ, कैश से जब हम पे करते हैं तो इट इज 8 दिरहम, और शेयर कार्ड से जब हम पे करते हैं तो इट इज 6 दिरहम। तो ये है हमारे शेयर कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट। अभी आप बोलोगे कि शेयर कार्ड मिलेगा कहाँ से, ठीक है, इसको हम ले कहाँ से, ये भी बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन वो शेयर कार्ड को आप कहाँ से ले सकते हो, शेयर कार्ड को आप इजीली ले सकते हो बस टर्मिनल से, जैसे लेकिन जो भी शारजा में बस टर्मिनल से, ये सब मैं आपको, लेकिन वो टैब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब्स है। तो एक बस जुबेल टर्मिनल हो गया, रोला टर्मिनल हो गया, या फिर मुवेला लेगी बस टर्मिनल, तो जो भी बस टर्मिनल्स है यहाँ पे आपको इजीली कार्ड वहां से भी मिल सकता है। और दूसरा, आप बस के अंदर जब जाते हो तो आप ड्राइवर को बोल सकते हो कि मुझे एक नया कार्ड इशू कर दे। जब आप नया कार्ड इशू करते हो तो उसके अंदर होता ये है, यहाँ पे एक प्राइस है, जैसे आप 50 दिरहम पे करते हो तो 45 का रिचार्ज होता है, या आप 95 पे करते हो तो आपको 90 बैलेंस मिलता है, टॉप अप मिलता है उसके अंदर। 5 दिरहम फॉर द फर्स्ट टाइम वो कार्ड का सर्विस चार्ज वो लोग लेते हैं, बट बाकी आप 50 पे करो। जैसे मैंने 50 पे किया था तो 45 मुझे रिचार्ज मिला था, बट इट इज वेरी एसेंशियल। मैं अगर लाइक यू नो बोल रहा हूँ, अगर आप टूरिस्ट वीजा पे हैं या विजिट वीजा पे, जैसे आप आए हम शारजा को एक्सप्लोर कर रहे हो और आपका काफी बार यहाँ वहाँ, या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो ये कार्ड होना जरूरी है। ये मैं सोचना कि मैं 2-2 दिरहम बचा लूंगा, ये डेफिनेटली लाइक यू नो सोचना कि 2-2 दिरहम का फर्क आएगा आपको, बचेगा आपकी पॉकेट में नहीं, लेकिन वो पॉकेट में सेव होगा आपके साथ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एक चीज है कि आप जब 45 खत्म हो जाए तो उसको रिचार्ज कैसे करें, इजीली आप बस के अंदर उसको रिचार्ज कर सकते हो। आप ड्राइवर को लाइक यू नो ऑफिस से पैसा दे सकते हो, वो मशीन पे रखते हैं और आपको रिचार्ज करके इजीली मिल जाएगा, या कोई भी बस टर्मिनल पे जाते हैं आपको वहां से भी इजीली रिचार्ज होके मिल जाएगा। ये वेबसाइट है, इसको आप काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रूट्स के बारे में भी काफी अच्छे से बताया है कि लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको लेकिन स्टॉप कहाँ पे जाना है, जैसे लेकिन सहारा सेंटर, रोला से लेकिन सहारा सेंटर, ये दोनों एंड है, रोला टर्मिनल से लेके सहारा सेंटर, तो ये आपको बसेस की टाइमिंग के साथ बता देता है। ठीक है, आप ये पूरा रूट ये डाउनलोड कर सकते हो, बसेस नंबर भी, लेकिन आपको पूरी ये वेबसाइट पे इजीली डिटेल मिल जाती है। आप गूगल भी यूज कर सकते हो, अगर आप कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बस टाइमिंग के साथ आ जाता है और बस नंबर भी आ जाता है। अदर थिंग इज, एक दूसरा ऐप भी है, उसमें भी मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, एस हेल ऐप, जो आप प्ले स्टोर से इजिली डाउनलोड कर सकते हो। अगेन वो आपकी प्लान जर्नी करते हैं बहुत ईजी, आपको हेल्प हो जाएगी उसके अंदर।
एक इम्पोर्टेंट चीज जैसे रजिस्टर योर शेयर का, जैसे जब वंस यू गेट द जॉब, आपका वीजा हो जाए, आपका एमिरेट्स आईडी वगैरह आ जाए, तो यू कैन रजिस्टर योर कार्ड. अभी इस पे बेनिफिट क्या है, अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपका बेनिफिट ये कि कभी आपसे कार्ड घूम जाए तो अगर उसमें ज्यादा बैलेंस है तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, एंड जब आप नया कार्ड बनाते हो यू कैन इजीली ट्रांसफर. तो जब आप इसी वेबसाइट पे लाइक जब जाते हैं, मैंने यहीं से शेयर कार्ड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया हूँ और ये इसने मुझे रजिस्टर योर शेयर कार्ड पे लेकर आया है. जब मैं रजिस्टर योर शेयर कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरी डिटेल्स पूछेगा, कार्ड का नंबर हो गया और उसकी फोटो और फिर आपकी डिटेल्स. बट ये तभी होगा जब आपके पास एमिरेट्स आईडी वगैरह रहेगा. और शेयर कार्ड आप सिर्फ शारजा के अंदर ही यूज कर सकते हो. इफ यू आर गोइंग फ्रॉम शारजा टू दुबई, ठीक है, तो आप यूज नहीं कर सकते. द शारजा के अंदर देयर आर बसेस ऑफ दुबई ऑल्सो, ठीक है, जो ई से स्टार्ट होती है, तो E307 वगैरह, बट उसके अंदर नॉल कार्ड यूज होता है, ठीक है, वो दुबई का कार्ड है. उसके ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. तो क्योंकि शारजा के बारे में ज्यादा नहीं पता रहता है तो लोग एक्स्ट्रा पैसा दे के ट्रैवल करते रहते हैं. तो इट इज बेटर कि आप अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आप शेयर कार्ड डेफिनेटली ले लो. ओके, और शेयर कार्ड अगर दिखता कैसे है, अगर आपको देखना है तो एक सेकेंड में अभी बता भी देता हूँ. मेरे पास ही है, मैं लेके नहीं बैठा था. एक नॉर्मल जैसे लाइक यू नो हमारा कोई भी एटीएम कार्ड वगैरह होता है, तो दिस इज हाउ योर शेयर कार्ड्स लुक लाइक, ठीक है. काफी इंपॉर्टेंट होता है एक स्कैन, ठीक है, दैट्स द जॉब इज डन. तो ये है शेयर कार्ड. और आपको अगर लाइक यू नो और भी डिटेल्स चाहिए तो आप ये वेबसाइट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो. तो बस इसी पे मुझे वीडियो बनाना था, बिकॉज जब मैं शारजा आया था तो इतनी नॉलेज के साथ नहीं आया था. तो मैं चाहता हूँ, लेकिन इफ यू आर कमिंग टू शारजा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको यूज करना है तो आप डेफिनेटली शेयर कार्ड लो. और थोड़ा टाइम आप जब रहोगे तो इजीली आप खुद ही एक्सप्लोर करके बहुत सारी चीजें सीख जाओगे. एक चीज लाइक यू नो जब हम नए नए इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश जहाँ से भी आते हो तो एक प्रॉब्लम सभी के साथ होती है, जैसे लाइक यू नो ये आता है 8 dirham 6 dirham, तो वी कन्वर्टेड इनटू आर कंट्रीज करेंसी. जैसे लाइक यू नो कोई इंडिया से आता है वो बोलेगा अरे 8 dirham 6 dirham, तो वो मल्टीप्लाई बाई 20 करता है, अरे इतने से दो स्टॉप के लिए 120 rupees. तो ये इनिशियली होता है, ठीक है, और कोई बात नहीं, ठीक है, सभी के साथ होता है. अब स्लोली स्लोली लाइक यू नो वंस यू गेट द जॉब, तो आप ये भी सोचना कि आप दिरहम में कमा भी रहे हो, दिरहम में स्पेंड हो रहा है बट दिरहम में आप कमा भी रहे हो. और सेव करो जितना पैसे आप सेव कर सकते हो, बिकॉज टैक्सी वगैरह लाइक यू नो ट्रैफिक की वजह से काफी एक्सपेंसिव होती जाती है. तो ट्राई टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पर कभी ना हो तो ही कैब यूज करो. ठीक है, सो दैट वाज फ्रॉम माय एंड टुडे. ठीक है, अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली पुट अ लाइक. मैं और भी लाइक यू नो ये काफी इंट्रिकेट डिटेल्स जहाँ पे लाइक यू जिसके बारे में वीडियोज नहीं है वो मैं बताता रहूंगा. शारजा यूएई घर कैसे होते हैं, या कैसे आपको और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड, जॉब कैसे ढूंढना है, वीजा कैसे ढूंढना है, मैंने एक वीडियो और एक पे बनाया हूँ कि विजिट वीजा पे PCC कैसे लेते हैं, ये वो भी बहुत यूनिक वीडियो जो यूट्यूब पे है नहीं. और उसमें मैंने कस्टमर केयर नंबर ईमेल आईडी भी दिया हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ वो उसी मेरे एक वीडियो पे मिलेगी. तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट पे पूछिए, एक लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, तो दैट्स इट, थैंक यू.